गाइस हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि आप अभी तक यहीं पे हैं, तुम अभी तक सो रहे हो, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। सो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अभी तक। अभी तक को हम इंग्लिश में लिखते हैं येट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद लास्ट में येट। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और बेहतर समझते हैं। आप अभी तक यहीं पे हैं, यू आर हियर येट, यू आर हियर येट। तुम अभी तक सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग येट, यू आर स्लीपिंग येट। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? Haven't you eaten food yet? Haven't you eaten food yet? आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? You haven't been ready yet. You haven't been ready yet. मैंने अभी तक तय नहीं किया है। I have not decided yet. I have not decided yet. वो अभी तक वहीं पर है। He is there yet. He is there yet.